ओपी जी हमारे साथ ना अर्थशास्त्री आकाश जिंदल साहब भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। आकाश जिंदल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, रूस से बढ़ी है भारत की खरीदारी, और अब अगर हम देखेंगे तो ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रहा है, या फिर यूं कहें कि यूरोप का सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर भारत बन रहा है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं, चूंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं तो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे दर्शकों को। जी धन्यवाद। देखिए ओपी साहब ने कई चीजें बहुत अच्छे से रखी हैं, उसके साथ जो मैं चीजें ऐड करना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब क्या है, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद रिफाइंड जो क्रूड है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को, तो इसके बीच का जो वैल्यू एडिशन है यानी जो रिफाइनिंग की कमाई है वो हिंदुस्तान को क्लियरली मिल रही है। सबसे पहले तो हमारी उपलब्धि ये है। दूसरी आप उपलब्धि देखें, रशिया से काफी हद तक जो हमने बाइंग की है वो रूपी टर्म्स में की है, तो हमारा जो है फॉरेक्स जो है, जहां तक हमारी फॉरेक्स सिचुएशन है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको पे किया है ज्यादा कंपोनेंट रूपी में, और यूरोप से हमें आएगी फॉरेक्स यानी जनरली यूएस डॉलर में पेमेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तीसरा मैं कहूंगा ये हिंदुस्तान की ग्लोबल डिप्लोमेसी की जीत है, बिजनेस के साथ साथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड ये ग्लोबल डिप्लोमेसी की जीत है कि आज हमारी सरकार ने इतने बढ़िया ग्लोबल डिप्लोमेसी की हुई है कि हम रशिया के साथ भी अच्छे संबंध रख के बैठे हुए हैं, यूरोप के साथ भी, यूएस के साथ। यूरोप आप देखिए, अगर आप यूरोप के एंगल से एनालाइज करें तो उन्होंने अपने लिए क्या कांटे बीज रखे हैं, जो क्रूड वो रशिया से इंपोर्ट कर सकते थे जिससे उनकी फ्रेट कॉस्ट भी कम पड़ती, वो क्रूड क्या है वो अब हिंदुस्तान आ रहा है, पहले हिंदुस्तान रिफाइन करके उनको भेज रहा है, यूरोप के पास अपनी रिफाइनरीज भी है, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल डिप्लोमेसी की जीत है। नरेंद्र मोदी सरकार को मैं इसमें बधाई दूंगा कि हमारी सरकार ने और नरेंद्र मोदी साहब एक ग्लोबल लीडर के ऊपर उभरे हैं कि सभी देशों से हमने अच्छे संबंध रखे हुए हैं, और इस अच्छे संबंधों का फायदा हुआ कि रशिया यूक्रेन वॉर का जहां दुनिया भर को नुकसान हुआ है, दुनिया में आज भी उसकी वजह से स्लो डाउन है, लेकिन हिंदुस्तान को इस चीज में फायदा हो रहा है कि हमने रशिया और यूरोप दोनों से अच्छे संबंध रखे हुए हैं। जहां तक हिंदुस्तान की रिफाइनिंग कैपेसिटी है, हिंदुस्तान की रिफाइनिंग कैपेसिटी वर्ल्ड क्लास है, और अब रिफाइनिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान सब चीजों में बढ़ता जा रहा है। आपको आगे की बात बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग में भी अब जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया है, उसके तहत यूरोप को काफी एक्सपोर्ट्स आगे चल के होने की संभावना है, चाहे मोबाइल एक्सपोर्ट्स हो, चाहे व्हीकल एक्सपोर्ट्स हो, तो यूरोप को काफी एक्सपोर्ट्स हम करने वाले हैं, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी अब क्लियरली स्लो डाउन का शिकार है। अब आप देखें पिछले 3 साल से हिंदुस्तान का लेवल ऑफ ग्रोथ देखें, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, जर्मनी, उनका ग्रोथ देखें आप, हिंदुस्तान ने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दी है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। वी हैव ग्रोन फास्टर देन यूएस, चाइना, जर्मनी एंड जापान। अब आप जर्मनी पे आ जाइए जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां जीडीपी ग्रोथ क्या रही है, 2023 के क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ उनकी रही है। तो ऐसे में यूरोप का हिंदुस्तान के साथ अलायंस करना एक स्वाभाविक चीज है, क्योंकि हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में भी, जीडीपी ग्रोथ में भी, और हिंदुस्तान का बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में वर्चस्व रेलिवेंस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो आज हिंदुस्तान के साथ टाई अप ज्यादातर कंट्रीज की इकोनॉमीज कर रही है। और एक चीज और आपके चैनल पर बताना चाहता हूं, अक्सर बात होती है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसकी तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, कुछ ही महीनों में शायद हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएं, क्योंकि अभी जो नंबर 3 और नंबर 4 इकोनॉमीज हैं, जर्मनी अब जापान से आगे पहुंच गई है, वो दोनों ही लड़खड़ाई हुई है, तो हिंदुस्तान फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी बनने की संभावना रखता है, और आने वाले 2 साल में हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो मैं ये किसी गुरूर या घमंड में नहीं कह रहा हूं, ये एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज ग्रोथ कर रही है और दुनिया भर से अलायंसेस हो रहे हैं, तो एक रियलिटी है जो दुनिया की बाकी इकोनॉमीज को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है आकाश जी गौरवान्वित करने वाली बात है, अगर गुरूर उसमें महसूस होता है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। बहरहाल ओपी जी में हमारे साथ लगातार बने हुए। ओपी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब से भी आगे भारत निकल गया, तो अपनी खुद की जरूरतें हम किस स्तर तक पूरी कर पा रहे, क्योंकि भारत में भी जाहिर तौर पर इसकी बहुत बड़ी अगर हम देखें जरूरत है, और लगातार हम बाहर से भी जो है इम्पोर्ट करते हैं। देखिए हमारी सबसे बड़ी जो अभी फॉरेन सर ने बता रहे थे कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी देखिए हमारी भी डिपेंडेंसी
बाहरी मुल्कों पे है। हम रशिया से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट से कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या है कि जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं नेचुरली हम उनको रिड्यूस कर रहे हैं। हमारी सरकार ने टारगेट किया है कि हम जो अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं एनर्जी के उनपे शिफ्ट करें। इसीलिए आप देखिएगा देश में सोलर एनर्जी को लेके, विंड एनर्जी को लेके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके हम उसपे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हम इस जो गैप है हमारा उसको हम कम कर पाएंगे। हम अभी भी बहुत ज्यादा हम एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट पे या बाकी रशिया पे डिपेंडेंट है। इसको कम करने का तरीका बस यही है कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। सोलर एनर्जी है, विंडमिल है, बायोफ्यूल है या फिर इलेक्ट्रिक, ये सब। इसीलिए आप देखिए गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसी बना रही है, सब्सिडी दे रही है, लोगों को इनकरेज कर रही है कि आप अपने सोलर रूफ जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्ट करें, उस पे भी सब्सिडी है, उसके रजिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो इस तरह से कई सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और 2023-30 तक टारगेट रखा है हमने कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे शहरों में हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो दूसरे रिसोर्सेज से जो चल रहे हैं बायोफ्यूल पे एथेनॉल का इस्तेमाल हो। इस तरह कई सारे मेजर्स ने गवर्नमेंट ने उठाया है ताकि हम जो मेजर्स का असर देखने भी शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल साहब।